देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कितनी अच्छी चीज लेकर आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल गणेश चतुर्थी का पार खूब लड्डू खाए होंगे ना, बनाए होंगे अच्छे अच्छे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे कि कई बार हमारे घर में हम लोग फल फ्रूट वगैरह खरीद के लाते हैं लेकिन वो खत्म नहीं हो पाते हैं, मतलब दो चार पीस उसके बच जाते हैं जिसकी वजह से है वो ज़्यादा पक जाते हैं, तो हमारा मन नहीं करता उनको खाने का और हम बाहर फेंक देते हैं। इसी उसमें कुछ टाइम पहले मैंने अपने जो केला पक जाता है ज़्यादा पीपला टाइप से हो जाता है उसका भी मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। आज इसी क्रम में मैं लेकर आई हूँ जो अमरूद की सब्जी। जब अमरूद को ज़्यादा पक जाते हैं, मन नहीं करता है उन्हें खाने का, तो हम उसको इन अमरूद की सब्जी को बना सकते हैं जो मात्र 2-3 मिनट में बन ही नहीं जाएगी और पूरी परांठी के संग आप खाएंगे तो बहुत लाजवाब लगेगी। चलिए अब इस तरह क्या होगा, हम जब तक फल नॉर्मल है अच्छा है हम ऐसे खा सकते हैं और बाद में भी उसको फेंकने की जगह उसके गुण तो बरकरार रहते ही है ना, उसकी सब्जी बना के खा लीजिए, एक नया टेस्ट भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। बस फिर एक देर के स्वाद की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। फ्रेंड, ये मैंने 600 ग्राम के करीब अमरूद लिए हैं और इनको ये ज़्यादा पक गए हैं तो परिवार में अब कोई भी इनको खाना नहीं चाह रहा है क्योंकि टाइट तो रहे नहीं है, तो अब हम इन ढीले अमरूदों का क्या करें। तो अब इस फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी बहुत लजीज चटपटी सब्जी बनाना बता रही हूँ। इन अमरूदों को मैंने सबसे पहले तो पानी से खूब अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और अब मैं इन अमरूदों को काट रही हूँ। यहाँ फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देने की है, अगर अमरूद के छिलके पे कुछ काला पंसा है, दागी वगैरह है, आप उसको हटा दीजिए और किनारे भी जो होते हैं दोनों उनको भी काट के निकाल दीजिए। मतलब वैसे छिलके नहीं छीलने हैं आपको इसके, लेकिन अगर कोई काला सा है या कुछ वैसा है गंदा सा पोर्श तो फिर आप उसको हटा के उसके 4 या 5 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह आप क्रमशः सारे ही अमरूदों को काट लीजिए। मैंने अपने सारे अमरूदों को 4-4, 5-5 टुकड़ों में काट लिया है। ये एक नॉनस्टिक गैस पे चढ़ाया है और इसमें सिर्फ 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, आप अपने मनपसंद ऑयल ले सकते हैं, मैंने वैसे रिफाइंड ऑयल लिया है। अब ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें पहले 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें 1 छोटी स्पून भर के राई दाना डालेंगे। राई के दाने चटकने लगेंगे जैसे ही, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात, अगर आपके पास मीठी नीम यानी कि करी पत्ता हो तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए। इत्तेफाक से इस समय मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च थोड़ी सी, इसे हम डाल देंगे। और जैसे फिर सारे हमारे ये अमरूद के पीसेस हैं इसमें डाल के हम इसको बहुत अच्छी तरीके से चला के सारा मसाला इसमें मिला देंगे ताकि पूरा इसमें मसाला लिपट जाए आपस में। ऊपर से थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फ्रेंड, मुश्किल से 1 चम्मच इसमें जरा सा पानी आप डाल प्लेट से ढक दीजिए। मिनट बाद फ्रेंड, एक बार आप उस सब्जी को बहुत अच्छी तरीके से फिर चला दीजिएगा। आप देख रहे हैं पानी नाक के बराबर है, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है जैसे तुरई में डालते हैं हम लोग। इसको चला के एक बार फिर ढक दीजिए। मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर ये सब्जी आपकी पक जाए। बस इस सब्जी को खूब अच्छी तरीके से उलट पलट लीजिए। आप देख रहे होंगे कि वो सब्जी सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं सारे पीसेस, और वैसे भी अमरूद पके हुए थे, ये तुरंत ही 2 मिनट में बनने वाली सब्जी है और ये पूरी परांठे के संग सच में बहुत अच्छी लगती है, बहुत लजीज लगती है। अब फ्रेंड, अब मैं इसमें डालूंगी 2-3 चम्मच चीनी। आप चीनी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार करते हैं सकते हैं, लेकिन ये हल्की सी जब मीठी होती है ना बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। बहुत मामूली सी मिठास हमें इसमें देनी है केवल। खूब अच्छी तरीके से मिला के हम चीनी इसमें मिला देंगे और अब इसे 1 मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे ताकि चीनी पूरी तरह गल जाए। अब थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालूंगी मैं और थोड़ा सा चाट मसाला ताकि थोड़ी चटपटी हो जाए आप। और ये मसाले मिर्च विर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब मैं इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। आइए चलिए सब मिलकर खाते हैं। सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है। मेरे को तो बहुत तेज भूख लगने लगी है। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।